तो हुआ ही है कि कल आपको दिखाया था फीमेल जड़ी थी, तो मैंने कहा थोड़ा अब शायद ठीक हो जाए। तो मैंने देखा ही, देख सकते हैं आप, स्टिक पे सारा ब्लड लगा हुआ है और भी ज़्यादा लड़ रही है, मतलब कि तो इसलिए अब हम इनको अलग करने लगे हैं। हमने एक बड़ा डिसीजन लिया, वो ये है कि हमने ये मेल इनके साथ ही छोड़ दिया, फीमेल को जस्ट हमने निकाल दिया। और वैसे निकाला है क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये हमारी दूसरी फीमेल है, मतलब कि इस फीमेल और उस फीमेल के आपस में फाइट हुई है। तो आप देख सकते हैं इसके भी जगह जगह काफ़ी ब्लड निकला, तो ये तो ठीक हो जाएगी। और वो साथ ही उस फीमेल का बच्चा भी निकला हुआ है, उसके टोटल 4 बच्चे जो इस टाइम वो पाल रही थी, तब उसको हमने निकाल दिया। तब ये मेल अकेला ही बच्चे पालेगा, क्योंकि वो बच्चे ऑलमोस्ट अब नियर टू सेल्फ हैं, तो अभी मेल अकेला पाल सकता है उनको। फीमेल जिसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब देखें क्या बनता है। फीमेल को सेपरेट करने की वजह ये थी, मैंने इसको डिसीजन ये लिया क्योंकि ज़्यादा एग्रेसिव ही हो रही थी, मतलब कि इसमें एग्रेसिवनेस थी ज़्यादा, ये लड़ रही थी, तो मैंने इसलिए इसको सेपरेट किया। क्या मेल अकेला ही बच्चों को ना फीड करवा रहा है इस टाइम, तो अब ये अकेला ही ये बच्चे पालेगा, 4 बच्चे हैं और इसने अकेले ने पालने हैं। यार हमने देखा था कि मैंने एक्चुअली आपको बताया था ना देखे, मैंने ये फीमेल निकाल दी थी, तो फीमेल तो मैंने निकाल दी थी, लेकिन मुझसे ये हुआ था मेल फीड करवा रहा था, लेकिन वो जो एक बच्चा था एंड में, तब वो छोटा था अभी, तो मेल अंदर जाकर उसको नहीं फीड करवा रहा था, तो मुझे ये था जब वो कहीं भूखा मारना जाए, तो मैंने इसलिए फिर फीमेल को वापस डाल के इसमें से पेयर नंबर 1 था जो हमारा, वही मैंने निकाल दिया, पूरा पेयर ही मैंने निकाल दिया भाई।